करें स्टार्ट मन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मने ज्ञाने धातु से उत्पन्न, आत्मा किससे उत्पन्न हुई थी? अप व अत, दो वर्ड आए थे वहां, अप और अत। यहां पे क्या है? मने ज्ञाने धातु से उत्पन्न। तो मन की निरुक्ति कभी कभी छोटे से दो नंबर के क्वेश्चन में आ जाती है कि अपन मन की निरुक्ति बताओ। तो मने ज्ञाने धातु से उत्पन्न। अब देखो यहाँ पे लिखा है, मन्ने ते अबे बुद्ध ते ज्ञायते अनने इति मने। तो इसका मीनिंग क्या है कि जिसके द्वारा मनन किया जाए, सोचा समझा जाए, ज्ञान किया जाए, वह मन है। अब देखो आपका यहाँ पे एक डाउट आएगा, जो अपन ने पढ़ा था ना कॉन्सेप्ट, भाई ज्ञान किसको होता है? आत्मा को होता है। किसकी सहायता से होता है? मन की सहायता से होता है। और अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि जिसके द्वारा मनन किया जाए, सोचा समझा जाए, वह ज्ञान किया जाए। देखो ज्ञान किया जाए, यहाँ पे एक वर्ड आया है, ज्ञान किया जाए, वह मन है। कहने का मतलब ये है कि अपन जो भी सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे किसी चीज़ के बारे में, तो वो किसके माध्यम से होता है? मन के माध्यम से होता है, वह ज्ञान किया जाए। तो ये एक सहायक है, अभी भी ये सहायक ही है, होता है। फाइनली ज्ञान तो आत्मा के होता है, लेकिन जिसकी सहायता से ज्ञान किया जाए, आप इसको समझ, जिसकी सहायता से ज्ञान किया जाए वह मन है। परिभाषा देखो, जिस इंद्रिय से सुख दुख आदि का ज्ञान होता है एवं जो स्पर्श रहित होते हुए भी क्रियाशील हो, उसे मन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्रियाशील एक वर्ड आया है, तो मन क्रियाशील है, अचेतन प्लस क्रियाशील, ये आत्मा के साथ मिलकर चेतन हो जाता है, क्योंकि आत्मा से इसको चेतना मिल जाती है और क्रियाशील हो जाता है। और आत्मा क्या होती है? चेतन प्लस अक्रियाशील। तो आत्मा बिना मन के काम नहीं कर सकती और मन बिना आत्मा के काम नहीं कर सकता, इन दोनों को साथ रहना जरूरी है। जब भी कोई बात आएगी तो मान लो कि दोनों की साथ में बात हो रही है, ठीक है, हैं दोनों अलग अलग, लेकिन ये दोनों एक साथ रह के ही कार्य करते हैं, बिना एक दूसरे के ये काम नहीं कर सकते। तो जिस इंद्रिय से सुख दुख आदि का ज्ञान होता है एवं जो स्पर्श रहित होते हुए, अब मन को आप स्पर्श कर सकते हो क्या? कि देखो ये मन है, मैंने पकड़ लिया, नहीं, होते हुए भी क्रियाशील है, उसे मन कहते हैं। तो जिस इंद्रिय से, कौन सी? अब देखो मन को उभय इंद्रिया बोला है, तो सुख दुख आपको बोलते ना कि ये मेरे मन को अच्छा लग रहा है, ये मेरे मन को बुरा लग रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से जिस इंद्रिय से सुख दुख का आदि का ज्ञान हो, अब देखो आदि का ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान करने में सहायक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, बार बार ये वर्ड आपको कन्फ्यूजन करेगा। तो सुख दुख आदि का ज्ञान होता है जो स्पर्श रहित होते हुए क्रियाशील, उसे मन कहते हैं। सुख दुख के साक्षात्कार की साधन भूत इंद्रिय को मन कहते हैं, ठीक है। सुख दुख के साक्षात्कार मतलब एक तरीके से जो होता ना, साक्षात्कार को क्या बोलते हैं एक तरीके से, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कोई बताएगा बच्चा? साक्षात्कार, सामने एक तरीके से, आप ये इसके बिना कोई काम नहीं हो सकते, मतलब कि ये है मेन चीज। तो सुख दुख की जो ये ना मन, आपके मन को, आपके मन ने मान लिया तो ये सुख है, तो आप उसमें, जैसे किसी व्यक्ति को सुबह उठना मन के अनुकूल है, दौड़ लगाना उसको सुख है, किसी व्यक्ति के लिए वो अरे कितना आलगसा वाला काम है, दुख वाला काम है। तो आपके मन के अनुकूल एक तरीके से, आप जैसा सोचोगे वैसा, क्योंकि सोचने समझने का कार्य कौन कर रहा है? सोचा जाए समझा जाए, मन कर रहा है। तो क्योंकि मन क्रियाशील कार्य मन करता है, तो सोचा जाए समझा जाए कार्य कौन कर रहा है? मन। तो आपको कौन सी चीज़ में सुख मिल रहा है, कौन सी चीज़ में दुख मिल रहा है, आप जैसा सोचोगे वैसे आपके लिए वो चीज़ बन जाएगी, ठीक है। बहुत से व्यक्ति को पदार्थ विज्ञान कठिन लगती है, वो आप कठिन सोचोगे कठिन बन जाएगी, आप इजी समझोगे तो इजी बन जाएगी, ट्राई तो करके देखो एक बार। तो ये सब मन के अधीन है। लक्षण देखो, लक्षण में क्या आएंगे, इंपॉर्टेंट है इसके लक्षण, बार बार एग्जाम में आते हैं, मन का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्षण है मनसो ज्ञानक तो भावो भावे एवं च, यहाँ की संस्कृत भी साथ में लिखी हुई है, तो आपको ये समझने भी आसानी रहेगी। लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भावो भावे एवं च, लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भावो भावे च, मतलब ज्ञान का होना या न होना, मन का आत्मा इंद्रिया अर्थों के योग होने पर ज्ञान होता है। समझो इस बात को, देखो बहुत डीप बात चल रही है इस समय, मन आत्मा शरीर चल रहे हैं इस समय, सत्संग चल रहा है एक तरीके से क्लास में, ज्ञान का होना या न होना, ज्ञान होगा कि नहीं होगा। अपन क्लास में बैठे हैं, आप मेरी क्लास में हो, आपको ज्ञान होगा कि नहीं होगा? मन का आत्मा इंद्रिया अर्थों से योग होने पर ज्ञान होता है। अब समझो इस चीज़ को, अगर आपको मेरी क्लास से नॉलेज हो रही है, अगर आपकी जो क्लास में
आपकी आत्मा, मतलब पहली बात तो मन का आत्मा से कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है, आपका मतलब आत्मा से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आत्मा तो आपके शरीर में है लेकिन आपका मन कहीं दूसरी जगह खो रहा है, मेरी क्लास की जगह दूसरी जगह कहीं खो रहा है, आज सब्जी क्या बनेगी शाम को, आज पनीर बनेगा, आज पूड़ी बनेगी, आज खीर बनेगी, उसमें जा रहा है। इंद्रियाँ आपकी प्रॉपर काम कर रही हैं कि आपके कान सही हैं, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ठीक है। अर्थ, जो मेरा शब्द मैं बोल रहा हूँ वो समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, क्योंकि जैसे कि मैं अरबी भाषा बोलने लग जाऊँ थोड़ी देर के लिए तो आप शब्द ही नहीं समझ पाओगे, आपकी इंद्रियाँ भी सही है, आपके पास शब्द भी जा रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहे, उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे, तो भी आपको ज्ञान नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ज्ञान का होना या न होना मन का आत्मा के साथ जुड़ा रहना चाहिए, आपकी इंद्रियाँ ठीक होनी चाहिए और अर्थों से, तो मतलब कहने का मतलब है इंद्रियाँ और अर्थों से योग होने पर ही ज्ञान होता है। आपकी सब कुछ सही होना चाहिए तब आपको ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है। क्यों? जैसे मैंने बोला सबसे पहले शब्द गया कहाँ पे गया, आपकी श्रोतेंद्रिया के पास, तो इंद्रिया आई, इंद्रिया ने क्या पकड़ा, उसका अर्थ निकला, अर्थ ने किसको किसको भेजा, आत्मा के पास, तो आत्मा को ज्ञान हो गया। किसकी सहायता से? मन की सहायता से। मन ने क्या किया, क्योंकि इन चीज़ों को क्या किया, इंद्रियों को अपने विषय में लगाया, अर्थ को उसको समझने में सहायता की, क्योंकि मन आपका नहीं होता, मान लो आपका मन कहीं दूसरी जगह सो रहा होता, आपका सन्निकर्ष नहीं हो पाता, तो एक चैन टूट जाती है ना, मैं कितना ही बोलूँ आपको कुछ पता ही नहीं चलता। तो ज्ञान का होना या न होना, तो ये मन है ना, ये कड़ी है बीच की, आत्मा फिर मन फिर इंद्रिया और अर्थ, मतलब एक तरह से बीच की कड़ी है। देखो यहाँ पे समझो, मैं पेन से बता रहा हूँ, यहाँ तो हो गई आत्मा, ठीक है, फिर हो गया मन, ठीक है, फिर हो गई इंद्रिया, नहीं यहाँ पे इंद्रिया को उठा थोड़ी देर के लिए, आत्मा मन, तो मतलब एक तरीके से बीच की कड़ी है, ये जोड़े रखती है, अगर ये सही है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है और इसके साथ इंद्रियां और अर्थ, ये बीच की कड़ी है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगर ये नहीं होगा ना, तो आपकी इंद्रियां कितनी सही हो, आपको ज्ञान नहीं होगा, मतलब किसको ज्ञान नहीं होगा, आत्मा को ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो कि इंद्रियों बेकारी है तो ज्ञान जाएगा ही नहीं, ना मन के पास जाएगा ना आत्मा के पास जाएगा। तो आप इसको समझने की कोशिश करो, मतलब ये सीक्वेंस है, इन सीक्वेंस में एक की भी कमी रहेगी ना तो ज्ञान नहीं होगा। लेकिन मुख्य कर्ता धर्ता कौन है, मन है, मतलब जो मैन बोलते ना मैन फैक्टर, वो मन है। अब देखो आगे अगला गुण क्या है, अगला गुण है युगपत है ज्ञान अनुपत्ति निर्मलसो लिंगम, ठीक है, युगपत है ज्ञान अनुपत्ति से निर्मलसो लिंगम। अब देखो संस्कृत याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो हिंदी भी चलेगी। एक साथ अनेक विषय यथा भोजन करते समय उनकी गंध स्वाद रूप स्पर्श का ज्ञान एक साथ होना, ये भी मन का लक्षण है। कैसे? जैसे अपने सामने खीर आई पूड़ी आई, तो आप जैसे ही उसको देखा आप उसको खीर का एक ऐसे पता लग जाएगा मुंह में, ओ यार मीठी आ तो मीठी खीर मिलेगी। जैसे चाय आई पोहे आई कोई भी मान लो खाने की चीज़, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप तुरंत समझोगे। एक साथ अनेक विषय, जैसे यथा भोजन करते समय उसकी आप सुगंध भी ले रहे हो, भोजन कर रहे हो उसका मधुर रस भी ले रहे हो, उसकी सुगंध भी ले रहे हो, ठीक है, उसका स्पर्श भी कर रहे हो, तो एक साथ सारे ज्ञान हो रहे हैं, ये सब मन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। इतना फास्ट होता है, इतना अणुत्व है कि ये सब सारे काम आपको एक साथ करवा देता है। फिर तीसरा है आत्म इंद्रियार सन्निकर्ष ज्ञानस्य भाव अभावस्य मनसो लिंगम, आत्म इंद्रियार सन्निकर्ष ज्ञानस्य भाव अभावस्य मनसो लिंगम। आत्मा इंद्रिया इंद्रियार्थ का सन्निकर्ष होने पर ज्ञान का होना या ना होना, इन सब के होते हुए भी ज्ञान की उत्पत्ति का कारण मन ही है। आपके पास आत्मा है, इंद्रिया है, इंद्रियार्थ है, ठीक है, आपके पास आत्मा है, आप जीवित हो तो ऑब्वियसली आप आत्मा है, इंद्रिया आपके पास कान भी है, श्रोतेंद्रिया सब कुछ है, इंद्रियार्थ मतलब जो शब्द है ना समझ भी पा रहे हो लेकिन फिर भी ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सब मन के कारण है, मतलब ज्ञान उत्पत्ति के कारण मन ही है। क्यों? ये मैंने जैसे पहले में बताया था ना, ये इसी लाइन को थोड़ा सा विस्तार से बता दिया इन्होंने यहाँ पे, आत्म इंद्रिया सन्निकर्ष ज्ञान से भाव अभाव से मनसो लिंगम। कहने का मतलब है कि आत्मा इंद्रिया और सन्निकर्ष इन सब की संयुक्त व्यवस्था है, आत्मा भी है आप जीवित हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि आप क्लास में बैठे हो, बीच में बैठे हो, बीच रो में बैठे हो, आपके पास आप जीवित हो तो जब तो क्लास में बैठे हो तो मतलब आत्मा आ गई, इंद्रियां आप उस बोर्ड पर क्या लिखा है देख रहे हो, ठीक है, सुन मतलब टीचर की आवाज़ भी पहुंच रही है क्योंकि आपके पीछे वाले बच्चे को आवाज़ जा रही है, तो ऑब्वियसली आपके पास भी पहुंच रही है, ठीक है। उसका अर्थ आपको कैपेबल है कि इतनी बुद्धि है उसका अर्थ भी समझ जाओ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्या बोल रहा है वो समझ जाओ, का सन्निकर्ष होने पर ये सब सीक्वेंस में का
होने पर भी ज्ञान का होना कि ज्ञान होगा कि नहीं होगा, इन सब के होते हुए ज्ञान उत्पत्ति कारण मन ही है। क्यों? क्योंकि मन आपका क्लास में है नहीं, आप सोच रहे हो घर पे जाके मैं क्रिकेट खेलूंगा, आप वॉलीबॉल खेलूंगा, या आप ये सोच रहे हो, तो टीचर एक चौक की फेंक के मारेगा, ध्यान किधर है तुम्हारा, ध्यान किधर है, मतलब मन कहाँ है तुम्हारा। समझ में आया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो आपकी सब कुछ ठीक है, आप जीवित हो, आपके पास सब कुछ है, आपकी इंद्रियां भी काम कर रही हैं, आप सुन भी रहे हो, आप देख भी रहे हो, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे, आप ज्ञान नहीं हो पा रहा। तो बोल टीचर बोलता है चौक मार के कि भाई ध्यान कहाँ है तुम्हारा, समझ रहे हो ना बात मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये लास्ट में इन सब के होते हुए भी ज्ञान उत्पत्ति कारण मन ही है। हाँ बोलो श्रीमिष्टा। सर एक क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन ये है कि आत्मा अपना सुख दुख लेके आती है, अभी मन हम पढ़ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं, मतलब मैंने जितना समझाया है मैं जितना अंडरस्टैंड की हूँ, मन हमको जोड़े रखता है, तो मन से ही हमको इस जन्म में ये स्थूल देह से हम हमारा लाइकिंग डिसलाइकिंग ये सारा ज्ञान आत्मा में जाता है, जो नेक्स्ट लाइफ या पता नहीं क्या होगा उसके बाद उसको छोड़ते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मन का ये जो सुख दुख अनुभूति, ये सपोज आपका क्लास अच्छा लग रहा है आज, तो ये जो अच्छा लगना ये कहाँ से आ रहा है, ये आत्मा से आ रहा है कि मन से आ रहा है, ये मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ये आत्मा से आ रहा है, मैंने एक ही बात बोली है कि ये ज्ञान करने का सहायक है। लास्ट में भोगता कौन बताया था? मैंने एक बात बताई थी, आत्मा भोग करती है। कोई भी अच्छी चीज़ है आपको सुकून दे दिया, आत्मा को मिलता है। जो भी चीज़ है ना आपकी आत्मा पे, मन एक सहायक चीज़ है। ये बहुत डीप वाली बात है ना। आप बोलते हो कि जो इच्छा सुख द्वेष जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, भटकता है, उसको पुरानी जन्म की सारी बातें याद रहती हैं, लेकिन जब नए शरीर में आता है तो क्योंकि कुछ ऐसे कारण तम के प्रभाव में जाकर कैसे करके वो भूल जाता है। और अपन अपने जो शरीर है ना, इस देह को अपन उसको मान लेते हैं आत्मा। ये तो एक तरीके से सहायक है, एक तरीके से क्या बोलते हैं, एक तरीके से यूज कर रही है इस शरीर का अपने को, अपन उसको भूल जाते हैं और इसी को अपनी जो बॉडी है उसी को शरीर मानते हैं। अब मैं जो आपका क्वेश्चन है मैं उसको आंसर देता हूँ कि आप बोल रहे हैं जो अनुमति होती है, मैंने क्या बताया था, आत्मा की एक लाइन थी कि जो आत्मा ज्ञान ज्ञान कौन करता है, आत्मा करती है। भोग कौन करता है, आत्मा करती है। और वो कौन करवाते हैं, मन इंद्रिया। और अब देखो किसी चीज़ की बात करते हैं, जब कोई डोमिनेंसी की बात होती है, अपन आत्मा पढ़ रहे थे उसमें पहले क्लियर हो गया था कि भोग कौन करता है, आत्मा करती है। सुख दुख का भोग कौन करती है, आत्मा करती है। ठीक है, तो जो भी अपन इस जन्म में सुख मिल रहा है आत्मा को मिल रहा है, क्योंकि अपने पिछले कर्म के अनुसार अपन को शरीर चुनने को मिलता है। तो पिछले कर्म में सुख किसको मिलेगा, अपने आत्मा ही तो आई थी, तो आत्मा को क्या सुख मिल रहा है क्या दुख मिल रहा है, तो शरीर से ही तो मिलता है, ऐसे थोड़ी है कि मन से मिलता है, शरीर से मिलता है। कि भाई शरीर से मिलता है कि कैसा सुख मिलेगा, कि उसको जन्म में दुख मिलेगा, तो उसी के कर्मों के अनुसार उसको शरीर मिलता है। सिंपल सी बात है कि सुख भी आत्मा को मिल रहा है, दुख भी आत्मा को मिल रहा है, मतलब उसको यातनाएं मिल रही हैं। मान लो कि कोई ऐसे जन्म ले लिया जहाँ पे गरीब है, मान लो चलो छोड़ो गरीब की बात छोड़ो, कि एक पशु योनि में ले लिया, ठीक है, वहाँ को उसको खाने को नहीं मिल रहा, तो उसको आत्मा को दुख हो रहा है, मतलब उसने कर्म ऐसे किए थे जिससे उसकी आत्मा को बार बार दुख सहन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सब आत्मा को मिलता है। अब डोमिनेंसी की बात आती है, जब अपन किसी चीज़ को बात करते हैं, जैसे कि एक मूवी देखते हो आप, एक कैरेक्टर होता है, जैसे कि आप मार्वल्स की मूवी देखते हो ना, जिसमें जैसे कि लोकी आप एक सीरीज चल रही है, मैंने आज ही देखी है, जब उसमें दिखाते हैं मूवी में उसका 5 से 10 मिनट का रोल आता है, तो अपन जब आत्मा पढ़ रहे थे ना, तो उसके एक दो वर्ड आए थे भाई मन के, मन सहायक है। लेकिन अब हम मन पढ़ रहे हैं, जैसे अब लोकी सीरीज चल रही है तो लोकी पर पूरा फोकस है, तो अपन ने इसको हीरो बना दिया। अब यहाँ पे पूरा फोकस यहाँ पे समझने के लिए इसको बहुत ज़्यादा वेटेज देना पड़ रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये कन्फ्यूज पैदा करते हैं, किसी हाई लेवल ऑथोरिटी के सामने छोटा जब जाता है ना तो ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। तो आत्मा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, तो भोग कौन करता है, आत्मा ही करती है। ये लास्ट में जो मन है, अब अपन क्योंकि मन पे फोकस अपना, तो मन पे ध्यान दे रहे हैं, मन की छोटी छोटी चीज़ें दे रहे हैं, तो अपन बोलते हैं ना कि ठीक है ये भी कर दो भाई, इसको बोल देते हैं, क्योंकि अपन बोलते हैं ना कि इसको प्रोत्साहन मिलेगा एक तरीके से। मैंने शुरुआत में जब मन स्टार्ट किया तब बोला था आपको कि ये लास्ट में ज्ञान आत्मा को मिलता है, क्योंकि सुख दुख आत्मा को ही मिलता है, अपन को नहीं मिल रहा है। तो ये बॉडी को तो एक तरीके से यूज हो रहा है, एक तरीके से इस बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी में चल जाएगी आत्मा, तो निरंतर आत्मा ही तो चलती रहती है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो, यस सर। अब देखो उभय आत्मा, और एक बात और ध्यान रखो,
कि मन और आत्मा आपस में जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि बिना मन के आत्मा कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, कुछ भी, क्योंकि क्रियाशील कौन है? मन है, ठीक है। तो जितने भी कर्म होंगे वो मन करेगा, रिजल्ट आत्मा को मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी मन कर्म, मतलब जितने भी कौन सा इस आत्मा को मतलब इंद्रियों से मिलवा रहे हैं, सन्निकर्ष कर रहे हैं, इंद्रियों को समझ रहे हो, जो जितने भी कर्म हो रहे हैं ना वो मन कर रहा है, क्योंकि क्रियाशील मन है। लेकिन उसको चेतना किससे मिल रही है? आत्मा से मिल रही है, ठीक है। क्योंकि मन का एक लाइन लिखना, ब्लैंक यहाँ पे लिख लो, मैं लिख देता हूँ कि मन क्रियाशील वह अचेतन है। आप लिख सकते हो ऐसे, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो जितने भी कर्म होंगे ना वो मन करता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आगे, तो इसका मतलब सर, इसका मतलब ये गलत है, हम बोलते हैं, हम जैसे रोज के डेली कॉन्वर्सेशन में जैसे बोलते हैं आज मन नहीं है खाने का, आज ये खाने का मन कर रहा है, तो एक्चुअली में उसको डिरेक्शन आत्मा ही दे रहा है। हम मन बोलते हैं लेकिन डिरेक्शन आत्मा ही दे रहा है, आत्मा ही दे रही है। ओके सर, अपन एक अल्टीमेटली अपन आत्मा को भूल जाते हैं जब भी अपन शरीर में आते हैं ना, तो आत्मा को वोल्टेज भूल जाते हैं, क्योंकि अपन शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। जो अपनी बॉडी है ना उसी को अपन आत्मा मान लेते हैं। दुख क्यों मिलता है व्यक्ति को? क्योंकि इच्छाएं होती हैं। किसकी होती हैं? आत्मा की इच्छाएं होती हैं, ठीक है। क्योंकि बोलते ना बड़ी बड़ी इच्छाएं करता है, सुख दुख की इच्छाएं करते हैं, अगर वो इच्छाएं त्याग देगा मतलब वो आत्मा को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। अब आत्मा को कंट्रोल कर लिया क्योंकि चेतना मिल रही है आत्मा को मन से, तो मन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा, तो लास्ट में जो अल्टीमेट गोल निकलता है ना आत्मा का ही निकलता है। तो और अपन ने पढ़ा भी है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर से, अच्छी तरीके समझ गए हो कि जो सुख मिलता है या दुख मिलता है पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार, अपन को शरीर का अच्छे फैमिली मिलती है, अच्छे घर में जन्म होता है, ठीक है, अच्छे माता पिता मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं, तो अपनी आत्मा के लिए ही होती है सब कुछ। तो आत्मा वैसे ही अच्छे कर्म करोगे तो आपको फ्यूचर में और अगले जन्म में और अच्छा घर मिलेगा, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो अल्टीमेटली आत्मा है लास्ट में, कर्ता धर्ता कौन है? आत्मा, ठीक है। लेकिन उसके लिए मन का होना भी ठीक होना जरूरी है। अब देखो उभयात्मक मन है, मन ज्ञान व कर्मेंद्रिया दोनों है, मतलब ज्ञानेंद्रिया भी है और कर्मेंद्रिया। कर्मेंद्रिया क्यों है? क्योंकि ये कर्म करता है। ज्ञानेंद्रिया क्यों है? क्योंकि ज्ञान कराने में सहायक है ना, इसके बिना ज्ञान ही नहीं हो सकता। अन्य इंद्रियों के साथ साथ सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होने के कारण इसे इंद्रिय मन है। अन्य इंद्रियों का मतलब सात्विक अहंकार, तीन थे, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तो सात्विक और राजसिक से बनते थे क्या? एकादश इंद्रियां, और तामसिक और राजसिक से बनते थे पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत। तो ये बोलता है कि अन्य इंद्रियों के साथ सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होने के कारण इसे इंद्रिय कहा। ये चारों गुण आपको याद होने चाहिए। अब देखो गुण, ये लक्षण थे, मतलब लक्षण थे चार, चारों लक्षण आपको याद होने चाहिए। अब आता है अणुत्व, तो आपको जो भी दुख मिल रहा है, जो भी सुख मिल रहा है वो आत्मा की वजह से मिल रहा है, लेकिन कर्म कौन कर रहा है? मन, ठीक है। किसकी इच्छा पर? आत्मा की इच्छा से, ठीक है। ये और अपन आत्मा को भूल ही जाते हैं, फिर अपन बोलते हैं ना कि मन चंचल है, मन ध्यान नहीं लगा रहा। आपकी आत्मा में ही दोष है, क्योंकि शुरू से ही जब वो जन्म से हुआ था ना तभी से आत्मा चंचल थी तुम्हारी, इसलिए तो उसको आपको ऐसा शरीर मिला, ठीक है। अणुत्व देखो, इसके अणुत्वम च एकत्वम दो गुणा मन से स्मरता है। देखो चरक का सूत्र है कि अणुत्वम च एकत्वम दो गुणा मन से स्मरता है, कि मन को दो गुणों से स्मर्थ किया जाता है, एक तो अणुत्वम और दूसरा एकत्वम, पहला अणुत्वम दूसरा एकत्वम। अब समझो दोनों गुणों को, शरीर में सभी अवयवों में प्रयत्न तथा सभी विषयों का ज्ञान एक ही समय में समान काल में नहीं होता, अपूति अलग अलग समय में होता है। मन की स्थिति शरीर में अणु सूक्ष्म है, इंद्रियों से प्रत्यक्ष न होने के कारण इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, उसका नाम इंद्रियातीत है। यह अणुरूप शरीर में एक भाग में ही रहता है, परंतु सूक्ष्म व चंचल होने के कारण तीव्र गति से संपूर्ण देह में व्याप्त की तरह प्रतीत होता है। क्या क्या बोला आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, मैं बता देता हूँ इसकी मीनिंग क्या है। कि भाई अणुत्व मतलब मन है ना, जो अणुत्व है मतलब अणु यानी बिल्कुल छोटा, मतलब बिल्कुल छोटा, बिल्कुल सूक्ष्म है, आप देख भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना छोटा है। शरीर के सभी अवयवों में प्रयत्न तथा सभी विषयों का ज्ञान एक ही समय में समान काल में नहीं होता। जैसे कि अपन ने बताया ना कि आप सामने किताब पे देखो, आप देख भी रहे हो, मेरे को सुन भी रहे हो, आपके आसपास की चीज़ें आप देख भी रहे हो, आपके घर की बातें भी आपको पीछे चल रही हो, पता चल रही होंगी। जैसे कि आप भोजन की बात देखो ना, भोजन का एग्जाम्पल तुरंत समझ में आता है। आपने एक गास रोटी का लिया, ठीक है, सब्जी ली, टेस्ट लिया,
आप उसकी गंध भी महसूस कर रहे हो, आप उसको खा भी रहे हो, आप उसका रस का अनुवासन भी कर रहे हो, आप उसके बारे में अच्छी अच्छी फीलिंग भी कर रहे हो। तो ये सारे काम एक साथ नहीं हो रहे, सब काम अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। तो यही बोल रहा है कि शरीर के सभी अवयवों में प्रयत्न तथा सभी विषयों का ज्ञान एक ही समय समान काल में नहीं होता। ये आप सुगंध भी ले रहे हो, आप टेस्ट भी ले रहे हो, आप खा भी रहे हो, ये सब एक काल में नहीं हो रहा, अपूर्ति अलग अलग समय होता, मतलब टाइम है उनमें, डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। मन की स्थिति में शरीर अणु या सूक्ष्म है, और ये बोलता है कि मन जो है ना अपना उस समय, अब आप बोलोगे भाई अलग अलग टाइम पे हो रहा है तो मन तो एक ही है, मतलब अलग एक अणक एकत्व है ना, तो भाई कैसे? तो ये बोल रहा है कि ये अणुत्व की वजह से हो रहा है, ये इतना सूक्ष्म है, इतना फास्ट है कि आपको पता ही नहीं चलने दे रहा कि थोड़ी देर तो आपकी आपको स्वाद का अनुभव कराया, उसके जस्ट अगले आपको पता ही नहीं लगने दिया, तुरंत उसकी स्मेल सुगंध पे आ गया। तो अपूर्ति अलग अलग समय होता है, मन की स्थिति शरीर में अणु या सूक्ष्म है, इंद्रियों से प्रत्यक्ष न होने के कारण इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं कर सकता, इतना सूक्ष्म है कि वो इंद्रियों द्वारा पता ही नहीं चलता। उसका नाम इंद्रिय अर्थीत है, मतलब एक तरीके से इंद्रियों के छुपा हुआ, एक तरीके से यह अणुरूप शरीर के एक भाग में रहता है, मतलब हार्ट में रहता है, हृदय में रहता है, मतलब मन है जो हृदय में निवास करता है, परंतु सूक्ष्म में चंचल होने के कारण तीव्र गति से संपूर्ण देह में व्याप्त की तरह प्रतीत होता है। कि भाई चंचल, कि मन का गुण क्या है? बोलते ना मन बहुत चंचल होता है, गुण नहीं है ये, मतलब एक तरीके से शरारती मान लो एक तरीके से कि चंचल और सूक्ष्म। तो ये अणुत्व, अणुत्व के दो मतलब पर्यायवाची मान लो, सूक्ष्म और चंचल होने का तीव्र गति से, इतना फास्ट काम करता है क्योंकि क्रियाशील है, मैंने बताया कि मन अचेतन प्लस क्रियाशील है, इतने फास्ट गति से कार्य करता है कि ऐसा लगता है कि भाई सारे काम एक साथ ही हो रहे हैं, जैसे कि अपन देख भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, जैसे टाइपिंग भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सारे काम एक साथ कर रहे हैं, ये सब मन कर रहा है, इतनी फास्टी से अपनी आत्मा को इतनी सारी जगह से जोड़ के रखता है, प्रत्येक इंद्रियों को सन्निकर्षों को उनको माध्यम प्रदान करता है, लेकिन किसकी वजह से? अणुत्व की वजह से, इतनी फास्ट गति प्रदान करता है ये कि आपको पता ही नहीं चलने देता कि ये एक ही है, मतलब बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है अणुत्व एक तरीके से। अब एकत्व देखो, मन को एक बताया, अर्थात वह एक समय में एक ही इंद्रियों के साथ संयोग करके उसी विषय को ग्रहण करता है, जैसे कि अपन क्लास में बोलते हैं ना कि क्लास में ध्यान होगा तो ही सुनाई देगा, बहुत से व्यक्ति होता है ना कि क्लास में भी देख रहे हैं, फ़ोन भी चला रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, समझ में भी आ रहा है उनको, मतलब मल्टी टैलेंटेड एक तरीके से। तो कैसे कि मन को मन को एक बताया, अर्थात एक समय में एक ही इंद्रियों के साथ संयोग करके उसी विषय को ग्रहण कर सकता है। तो आप बोल रहे हो भाई एक ही है, एक समय में एक ही काम कर सकता है, तो बाकी काम कौन करता है? अणुत्व की वजह से होते हैं, वह तो फास्ट काम करता है। अब एक को तो समझो, भोजन करते समय गंध, स्पर्श, स्वाद आदि का ज्ञान भी एक के बाद एक होता है, इसकी चपलता के कारण, मतलब अणुत्व के कारण ही उक्त सभी प्रकार के ज्ञान एक ही काल में होने का आभास होता है, तथा मन की अनेकता प्रतीत होती है। आपको ऐसा लगता है कि भाई सारे काम एक साथ हो रहे हैं तो मन बहुत सारे हैं, नहीं, एक्चुअली मन एक ही है। जैसे 100 कमल के पत्तों को यदि किसी सुई से छेदा जाए, जैसे 100 पत्ते हैं कमल के फूल के 100 पत्ते हैं, उनको एक साथ सुई से चुबो दी, ठीक है, तो स्थूल दृष्टि से, मतलब अगर बाहर से देखते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि 100 पत्तों में एक साथ छेदन हुआ, तो 100 पत्तों का एक साथ छेदन का अनुभव होता है, परंतु वास्तव में एक पत्र के बाद दूसरे पत्र का छेदन होता है। जैसे अपन ध्यान से देखेंगे, स्लो मोशन में देखेंगे, बिल्कुल स्लो मोशन में, तो आप देखेंगे पहले एक पत्ते पे छेद हुआ, उसके बाद सुई नीचे जाएगी, फिर दूसरे पत्ते में छेद हुआ, फिर सुई नीचे जाएगी तो तीसरे पत्ते में छेद हुआ, लेकिन अपन शुरुआत में देखते ना एक साथ दवाई कि 100 पत्तों में छेद हो गया, एक साथ थोड़ी हुआ, पहले एक पत्ते में हुआ, फिर दूसरे में हुआ, फिर तीसरे में, चौथे में, इस तरीके से, तो मतलब इतना फास्ट होता है कि आप पता ही नहीं कर पाते। तो मतलब इस गुण को, अणुत्व को समझने के लिए इस गुण को पता होना चाहिए, एकत्व, और एकत्व को समझने के लिए अणुत्व का, मतलब ये दोनों एक दूसरे पर आभारी हैं। अणुत्व को समझोगे तो एकत्व का एग्जाम्पल दो, एकत्व को समझो तो अणुत्व का एग्जाम्पल दो। तो छेदन होता है, छेदन काल सूक्ष्म होने के कारण इसका अनुभव नहीं हो पाता, मतलब जो बीच में जो टाइम होता है ना कि एक पत्ते से दूसरे पत्ते में जो टाइम होता है बहुत माइनर होता है, बिल्कुल सूक्ष्म, तो उसका अनुभव ही नहीं हो पाता, उसी तरीके की बात है। तो ये दो गुण हैं, अणुत्वम और एकत्वम। अब देखो न्याय मुक्तावली के अनुसार मन के 8 गुण हैं, वही संख्या, परिणाम, प्रत्यक्ष, संयोग, विभाग, पर, अपर और संस्कार। इसके अतिरिक्त सत्व, रज, तम मन के विशेष गुण बताएं। तो मन के विशेष गुण ये अंडरलाइन कर लेना कि 3 है, सत्व, रज, तम। ये आपका मन कौन सा है? सात्विक है, सात्विक यानी कि अच्छे प्रवृत्ति वाला है, रज राजसिक प्रकृति वाला है, तामसिक प्रकृति वाला है। तो ये विशेष गुण बताएं। जो श्रीमिष्ठा आपने बताया था ना कि भाई ये इच्छा होती है, ये सब आत्मा के ही होते हैं, क्योंकि लेकिन क्रियाशील कौन होता है? मन होता है, ठीक है। अब
क्रियाशील मन है, तो मन जैसा गुण वाला रखेगा तो आत्मा वैसे ही तो गुण प्रदान करेगी। तो जैसे तम का प्रभाव हो गया मन पे, मतलब पागलपन हो गया, तो आत्मा कितना ही कुछ कर ले लेकिन मन ऐसे पागलपंती वाले काम करेगा, क्योंकि तम का प्रभाव हो गया मन पे बहुत ज़्यादा, अंधकार का प्रभाव हो गया। तो आत्मा कुछ भी चाह ले, लेकिन अब मन पागल हो गया, एक तरीके से उन्माद हो गया उसमें, तो वो पागलपंती वाले काम करेगा। नहा चाहते हुए भी उसको, वो नहा चाहते हुए भी बैठे बैठे कुछ उल्टी सुलटी हरकतें करेगा। तो ये जुड़े हुए हैं, मन और आत्मा आपस में जुड़े हुए हैं, सहजीवी संबंध समझो एक तरीके से, एक दूसरे के बिना दूसरे एक दूसरे का सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये रट लेना, वही है संख्या परिणाम प्रत्येक संयोग विभाग, पांच तो है ही सब में होते हैं, फिर पर अपर संस्कार तीन और जुड़ गए इसमें। अब है मन के विषय, मन के कर्म, मन का स्थान अधिष्ठान, और अगला क्या है अंत्यकरण चतुष्ट, ये अपन कल करेंगे, ठीक है। अब मन के विषय से अपन कल स्टार्ट करेंगे, ओके। मन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, मन के विषय से कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सर।